हाई क्लास 10, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट टू को, चैप्टर फाइव का प्रीव्यू टेबल। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए और पार्ट टू को शुरू करते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसकी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, वो आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। मींस की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, पहले का एटॉमिक नंबर कुछ और है, फिर अगले का कुछ और है, फिर अगले का कुछ और है, मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है। तो और लेकिन जो बाकी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, किससे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे था। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे। तो उसी एटॉमिक नंबर को हम पढ़ रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है? डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी के न्यूक्लियस में। किसी कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। इट इज डिफाइंड बाय एंड शो द बाय द एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को किससे दिखाया जाता है? जेड से दिखाया जाता है। जेड से मतलब एटॉमिक नंबर। अगर मैंने आपको बोला जेड 3 है, इट्स मीन कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम आपका है, ठीक है। इससे से मतलब जेड सिक्स मतलब छठे नंबर पे कौन आता है? कार्बन आता है। एटम्स ऑफ अ टू डिफरेंट एलिमेंट विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कई बार ऐसा होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। लाइक जो जो आयरन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो एल्युमिनियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होंगे। क्या होगा? डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद क्या आता है? एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर इज जेड, ठीक है। अगर जिसके जिस एलिमेंट के सेम नंबर प्रोटॉन होंगे तो सेम एटॉमिक नंबर भी होगा। इनफैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर पोजिस। फॉर हाइड्रोजन जेड इज 1, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इस तरीके से सबके लिए डिफाइन होता था। ये आपका एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। आप हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है और इसे जेड से हम लिखते हैं, ठीक है। ये जेड, जेड एक्स ये आपका एलिमेंट होता है कोई भी, और ये जेड उसका नीचे लिखा जाता है, और ये आपका एटॉमिक मास होता है, जिसका भी डिस्कस करेंगे अभी। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है, सपोज करिए कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्योंकि उसका एटॉमिक, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही क्या होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं कई बार उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक गेन या लूज ना किया जाए तब तक। नॉर्मल एक सपोज करिए कार्बन है, कार्बन के पास क्या है? 6 है, ठीक है। तो वो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। जैसे इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, इस सेल के अंदर बाकी जो बचे कितने? 4। 4 को किस में फिल किया? लास्ट वाले में, 1 2 3 4, है ना। ये आपने सीखा भी होगा नील बोर वाले कॉन्सेप्ट में। अगर नहीं देखा तो आप अपने हमारे चैप्टर 3 की वीडियोस को देख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट्स के अंदर। पहले ऑर्बिट को हम बोलते हैं पहला जो है आपका न्यूक्लियस ही होता है। पहला होता है के शेल, दूसरा होता है एल सेल, तीसरा होता है एम सेल और एन सेल, ठीक है। ये नाम होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं, एंड द सेकेंड में 8, एंड थर्ड में भी 8, उसके बाद 32, इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या जाता है? स्टेबल हो जाते हैं, कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और अगर दूसरे शेल में भरते तो पहले में 2 भरना पड़ेगा, दूसरे में 8। अगर 8 है तो वो स्टेबल होता है, 8 से ज़्यादा या कम हो गया तो वो स्टेबल नहीं होता। रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते, देखिए अगर मैंने आपको ये कहा, देखिए ऑर्बिट क्या है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये कैसे डिफाइन होता है, कैसे पता लगता है? 2n² से। आप देखिए k है, k का n 1 होता है, तो n को 1 रखा स्क्वायर, यानी k में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं। इस तरीके से l है, l में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? n इसमें 2 होगा, और इसका स्क्वायर करो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा। ऐसे अगले में ऐसे, m में ऐसी, n में ऐसी, तो ये आपकी n नंबर ऑफ वैल्यू हो गई 2n². n क्या दर्शाता है? ये नंबर ऑफ सेल को, पहले सेल को n1, k को n, और l को 2, n भी 2। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2n², याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? 2n², और n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अगर n बोलता है 6 है तो 6 का स्क्वायर करो, 2 से गुना करो, 72 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके। तो ये होता है उसका। तो ऑर्बिट आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू
आउटसाइड। तो पहले हम क्या होता है, पहले सेल को भरेंगे फिर दूसरे सेल को भरेंगे, ठीक है। ये पहले फर्स्ट सेल को फिल कर दिया, फिर अगले सेल में गए। उसके बाद से द आउटर मोस्ट सेल इज अ कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड इवन कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। अब जो लास्ट सेल होता है उसमें हम क्या भर सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, इसलिए हम अगले सेल में फिल करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेन रूल। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन रूल बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल मेक एटम वेरी स्टेबल। ऑक्टेन रूल क्या कहता है, ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि अगर सेल के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर वरना नहीं है तो वो स्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ सब एलिमेंट्स आप देख सकते हो इस तरीके से, पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भर लिया। ऐसे सोडियम का पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक बच गया 11, 11वां इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो ये किसी को दे देगा। उसके बाद से वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सपोज करिए एन ए का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एन ए आता है एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 11 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 11 हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले भर दिया, बचे 9, 9 में से अगले में 8 भर दिया, बचा 1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, तो 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको देखिए स्टेबल और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इफ द की इज आउटर मोस्ट सेल्स एटम, इफ अन एटम 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। सिंपल सी बात है, जब भी लास्ट में आपके क्या बचे, अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इफ की इज अ नॉट आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एटम, इफ एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड स्टेबल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है वरना नहीं है। एटम्स टू केमिकल रिएक्शन वैन अदर अचीव ए स्टेबल रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है, एटम के पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो स्टेबल हो सके, तो वो क्या करता है, रिएक्शंस करता है और किसी से एक एटम लेता है या शेयर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद से क्या आता है, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज क्या होती है, जो ऑलरेडी फुलफिल होती है। सपोज करें हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो वो तो पहले से ही फुलफिल है, उसी को किसी ने लेना है ना देना है। इस तरीके से नियोन है, ठीक है, ऑर्गेन है, ये सारी के सारी क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले से स्टेबल होती है, इन्हें किसी भी तरह की रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, अपना इलेक्ट्रॉन को फुलफिल नहीं करना है इनको सेल को, इसीलिए क्या करते हैं, ये किससे रिएक्ट भी नहीं करते, ठीक है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बता चुका हूं मैं, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही होते हैं जो लास्ट सेल में होते हैं। अच्छा वैलेंसी क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज करिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, लेकिन अब उसको 8 बनाना है, ठीक है, 8 पे स्टेबल होता है, तो आपके पास 6 है, तो आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लोगे, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। आप 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करोगे, उधार मांगोगे, तो आप जब 2 इलेक्ट्रॉन को उधार मांगेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा आप पे, और आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि उस 2 इलेक्ट्रॉन से ही आपका जो स्टेबिलिटी का आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सपोज आपके पास क्या होगा, 8 सपोज करिए 11 है, ठीक है, तो 2 आपने पहले फिल कर दिया, 8 फिर आपने बाद में फिल कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ अनस्टेबल हो जा रही है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे को दे देगा ताकि ये खुद स्टेबल हो सके। देखिए जिनके लास्ट में, ध्यान से लिखिए और समझिए इस चीज़ को, लिखो मेरी बात को, कि जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं आउटर मोस्ट सेल, वो हमेशा क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो किसी को डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल हो सके और प्लस चार्ज में आ जाते हैं, ठीक है, कटायन बना लेते हैं। उसके बाद से जो जिनके लास्ट में 5, 6, 7 आता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दूसरे से उधार मांगते हैं, ठीक है, और वो अनायन में आ जाते हैं। तो ये आपका होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज जो हुई थी, मतलब सबसे पहले 1913 में इसको पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया गया था कि ये अब पढ़ाया जाना चाहिए या फिर अप्लीकेबल है सबके लिए, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात है, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। इट्स मीन कि जितने भी एलिमेंट आपके रखे जाएंगे ना वो क्या होंगे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। लाइक जो पहला हाइड्रोजन है इसका फर्स्ट है तो ये फर्स्ट पे रहेगा, अगला क्या होगा, अगला सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मास पे डिपेंड है, मास पे मेंडलिव का डिपेंड था एटॉमिक मास पे, ठीक है, लेकिन ये जो होता है मॉडर्न इंक्रीजिंग पीरियोडिक टेबल जो होता है वो
एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है। आफ्टर द नील बोर मॉडर्न पीरियडिकल इज यूजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। नील बोर के वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिक टेबल, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो ये एलिमेंट है ये किससे बेस्ड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। अगर वो अगर गेन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा वैलेंसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। उसके बाद से कहते हैं कि द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सपोज़ करिए जो ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या सिमिलर होती है काफ़ी हद तक। जो सेकेंड ग्रुप में, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। इस तरीके से जो ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टोटल आज के टाइम में मॉडर्न पीरियडिक में 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और 7 पीरियोडिक्स हैं, पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। कितने पीरियोडिक हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 7 है, और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18 है। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। अब देखिए एक्सेप्टेशन कहता है, इन 18 ग्रुप एलिमेंट 8 वैलेंस एक्सेप्ट हीलियम, बट स्टिल हीलियम इज अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड इन द 8th ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो स्टेबल। कहते हैं कि हीलियम जो होता है, ठीक है, कॉन्फिगरेशन इज द ऑल्सो ए प्रॉपर्टीज द वेरी सिमिलर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द डेट ग्रुप। अब जो हीलियम होता है उसको क्या है, वो 8वें एलिमेंट से सिमिलर है, लेकिन अभी क्या उसे 18 एलिमेंट में रखा गया है, ठीक है। हीलियम एक नोबल गैस होती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होते हैं, फुलफिल होता है। इसे ना इलेक्ट्रॉन किसी लेना है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये आपके एक्सेप्टेशन है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के, सबसे पहले क्या होता है, देखिए द पीरियडिक टेबल एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो आपको बता चुका हूँ किस पे बेस्ड होता है ये, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद से आता है हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियडिक चार्ट इज कॉल्ड अ पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। देयर आर द 7 रोज इन अ पीरियडिक टेबल, ईच रो इज कॉल्ड अ, हाँ 7 रो होते हैं, ईच रो कॉल्ड अ पीरियड, तो कितने पीरियड होते हैं, 7। उसके बाद से द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, ऑल ऑफ कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाँ, जो पहला पीरियड होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्ट पीरियड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इस पहला पीरियड तो ये हुआ ना आपका, ये पहला पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट है, बस 2 ही हैं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। उसके बाद से आता है 4th एंड 5th पीरियड आर अ लॉन्ग पीरियड एंड कंटेन 18 एलिमेंट, जो 4th और 5th है वो सबसे बड़े पीरियड होते हैं, उनमें 8 से उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट। उसके बाद से कहता है 4th, 5th में 18 एलिमेंट। 6th पीरियड इज अ लॉन्ग पीरियड टेबल कंटेनिंग 32, सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन है, 6th पीरियड को देखें, ये रहा, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, और 7th पीरियड भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, 32 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद से कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, जो वर्टिकल होते हैं ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप आज के टाइम में प्रेजेंट है। ग्रुप फर्स्ट इज एक्सट्रीमली लेफ्ट पोजीशन कंटेन अल्कली मेटल्स, अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, बेसिकली मेटल कहलाते हैं, और हाईली मेटल होते हैं। और ग्रुप 18 जो होता है राइट पोजीशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है, नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो ये क्या अल्कली मेटल का है, ग्रुप फर्स्ट ये है, ग्रुप 8th क्या है, ये है 18, मतलब 18 में हाइड्रोजन हीलियम, ये जो पढ़ा है ना आपका हीलियम लियोन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, हेलोजन्स प्रेजेंट है। उसके बाद से देखिए इनर ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, 14th एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 58 to 71 इज कॉल्ड अ लेंथेनाइड्स, जो ईयरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, तो उन्हें हम ना जो लेंथेनाइड बोलते हैं, एंड जो 90 to 103 तक होते हैं थोरियम टू एलआर, तो उसे हम एंटीसाइड्स बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरे नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल का। देखिए वैलेंसी जो वैलेंस होता है इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जब भी जाते हो तो क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैलेंस सेल ब्लड क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, जो वैलेंस सेल होता है के एलिमेंट वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रहेंगे, बट इधर की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। सपोज इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 9 हो जाएंगे, 10, 11, 12 ऐसे, बट वैलेंस सेल जो होता है ना शेल वो क्या होता है, सेम रहता है। डाउन द ग्रुप जब आते हो तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम रहता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस, बट
जो शेल होता है ना, इसमें क्या होता है, एक इसमें एक शेल होता है, इसमें इसमें दो हो जाएगा, इसमें तीन, इसमें चार, तो सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, वैलेंस सेल इंक्रीज होते हैं। अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैलेंस सेल सेम रहते हैं। तो ये आपका वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इंक्रीजेस टिल 14 ग्रुप एंड देन डिक्रीजेस टू टिल 18 ग्रुप। जैसे आप फर्स्ट से 14 ग्रुप तक जाओगे तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है फुलफिल करने के लिए। बट 14 के बाद से वैलेंसी क्या हो जाने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम रहती है, डाउन द ग्रुप जब भी आओगे आप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हो तो वैलेंसी क्या होती है, सेम रहती है। साइज की अगर बात करते हैं तो देखिए साइज का ट्रेंड यही होता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जैसे जाओगे वो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ के जितने एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ की तरफ जाते जाते क्या होता है, एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है साइज। मेटेलिक करेक्टर की बात कर लेते हैं, डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर होता है इंक्रीज होता है, और जो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटल जो होते हैं, मेटल जो अच्छे मेटल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते जाओगे तो अच्छे मेटल मिलते जाएंगे, लेकिन इधर से इधर की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, नॉन मेटल बन जाते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी देख लो, डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये होता है इट इज़ एबिलिटी ऑफ एटम टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जो नीचे वाले जो एटम्स होते हैं ना डाउन द ग्रुप, जितने एटम्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, बट लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होती है, तो कितने आसानी से कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दे सकता है, तो वही बता रखा है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज़ हाई, इट इज़ी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज़ लो, इट्स डिफिकल्ट टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। और डिक्रीज होने लगती है मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने में दिक्कत करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे नहीं सकते, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रॉन जल्दी दे नहीं सकते, बट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन जल्दी ही रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोविटी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो ऑक्साइड्स होते हैं लाइक मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसे हम ऑक्साइड बोलते हैं, तो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता जाता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। मेटल आर नॉर्मली बेसिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और नॉन मेटल बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी देख लेते हैं, फर्स्ट इंक्रीजेस फॉर इट्स मोर डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन बट देन इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इधर की तरफ जाने से, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है यहाँ वाले वो कम रिएक्टिव होंगे, लेकिन इधर जाते जाते क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एक तरह से नॉन मेटल्स की। मेटल की रिएक्टिविटी इधर की साइड इंक्रीज होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ्ट जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर जितने प्रेजेंट होते हैं मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और नॉन मेटल की डिक्रीज होती है। ये आपका चार्ट एक बार अच्छे से देख सकते हैं आप, ये जितने होते हैं मेटेलिक करेक्टर इधर की साइड बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर की साइड बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इधर की तरफ बढ़ती है, एटॉमिक का साइज जो नीचे की तरफ बढ़ता है, एटॉमिक का साइज जिसकी तरफ बढ़ता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सपोर्ट करो, कोई भी चीज़ की कमी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।